हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो आज हम करने वाले हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस मंडे के लिए, यानी कि 21 अक्टूबर के लिए। तो नेचुरल गैस अभी क्या कर रहा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो स्टॉक या वो इंडेक्स किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर इसको ओपन करते हैं। ये है नेचुरल गैस वीकली टाइम फ्रेम पर। अब आपको दिख रहा होगा नेचुरल गैस एक रेंज में फंसा हुआ है। किस रेंज में फंसा हुआ है ये नेचुरल गैस? आपको ये जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, ये ट्रायंगल पैटर्न में अभी आपका नेचुरल गैस फंसा हुआ है। ऊपर जाता है तो इस ट्रेंड लाइन से टकराता है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से, और नीचे आता है तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन से टकराता है। तो अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर नेचुरल गैस क्या मूवमेंट दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर हमको दिख रहा होगा जब ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन के पास आता है तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन से फिर से यहाँ पर बायर एक्टिवेट होते हैं और फिर से अपसाइड की तरफ मूवमेंट आता है। ये देखो ये फिर ऊपर गया यहाँ से। अब ये लास्ट टाइम पे जब ये ऊपर गया तो ये किस तरीके का पैटर्न बना के ऊपर गया, मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये यहाँ से गिरा, ये इसने डब्लू पैटर्न बनाया। डब्लू पैटर्न बनाने के बाद ये सीधा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया। इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट भी दिया। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद, इस रीटेस्ट के बाद ऊपर निकलता तो हमें और ऊपर के लेवल मिलते जाते, लेकिन इसने क्या किया, इस ब्रेकआउट को फेल कर दिया इसने। मतलब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है। अब ये ऊपर से कुछ एक पैटर्न बनाकर फिर से नीचे की डाउन साइड की तरफ वापस आ गया है। कौन सा पैटर्न बनाया है ऊपर से? देखो ऊपर से फिर इसने एम पैटर्न बना के ये नीचे की तरफ आ गया है। ये यहाँ से ऊपर गया, ये नीचे आई कैंडल, फिर ये ऊपर गई, अब ये एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा है। अब ये इस रेंज पर आ गया है जो कि इसका सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से बायर एक्टिवेट नहीं हुए और ये लेवल डाउनसाइड की तरफ मंडे को या ट्यूसडे को आने वाले एक दो दिन में टूटता है तो हम लोगों को नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं? नीचे मैंने लगा रखा है 170 के टारगेट मिल सकते हैं। अगर ये 190 वाला जो लेवल है ये अगर टूटता है तो हमें 170 तक के लेवल मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से बाउंस आता है तो हो सकता है एक छोटा सा बाउंस आए और ऊपर की तरफ हम लोगों को लेवल कहाँ मिल सकते हैं, अगर बाउंस आता है तो हमें ये लेवल मिल सकते हैं 201 या 200 के आसपास की रेंज के लेवल मिल सकते हैं। हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता टारगेट का, वो आप आधा एक पॉइंट के बीच की रेंज लेकर आप चल सकते हो। तो 190 कि अगर ऊपर बाउंस आता है तो हम 200-201 के टारगेट देख सकते हैं पहले, और अगर 190 या 190 के नीचे निकलता है तो हमें नीचे के टारगेट मिलेंगे 170। अब हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि नेचुरल गैस को हम मंडे के दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पर देख लिया क्या हो रहा है, अब आते हैं हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ये एक रेंज में फंसा हुआ था। आप देखो नेचुरल गैस यहाँ पर एक रेंज में फंसा था, जैसे ही इस रेंज को निकाला इसने, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ ये सीधे इसने नीचे का लेवल टच किया, 190.3 का टच किया, फिर ये 190.90 पर क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पर नेचुरल गैस अगले दिन यानी कि मंडे के दिन क्या कर सकता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अब ये एक फिर से एक रेंज में फंस चुका है, जैसे एक अपसाइड ऊपर इस रेंज में फंसा हुआ था वैसे ही अब ये फिर से इस नीचे, या तो नेचुरल गैस यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर देगा ऐसे निकल के, ये रिटेस्ट देके वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हमारा हो गया डब्लू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर चला जाएगा। और अगर ये नहीं आया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, नीचे की तरफ ब्रेक, तो नीचे के लेवल हमें मिल सकते हैं। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन से लेवल हमको अपसाइड और डाउनसाइड की तरफ मिल सकते हैं। आपको सीधी रेंज मिल गई है, ये रेंज के अंदर, ये रेंज में जब तक नेचुरल गैस रहेगा तब तक इसमें ट्रेड नहीं करना है, और जैसे ही इस रेंज के बाहर निकलेगा तो
तो हम लोगों को रेंज मिल गई। इस रेंज क्या, ये कौन सी रेंज है, ऊपर की तरफ ये रेंज टूटे 191.8, इस रेंज के अगर ऊपर निकलता है और 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग करता है तो हमें अपसाइड की तरफ ट्रेड करना है, और नीचे की तरफ हमें जो लेवल मिलता है वो लेवल है 190.4। मतलब इस 190.3 या 190.4 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर, तो ये नीचे की तरफ फिर से आ जाएगा। और नीचे की तरफ हम लोगों को कौन कौन से लेवल मिल सकते हैं एक बार वो हम चेक कर लेते हैं। तो नीचे के लेवल देखने के लिए हम इसको